हेलो फ्रेंड्स, मैं रीता अपने यूट्यूब चैनल आर क्रिएटिविटी में आपका स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, सीजन की पहली हार्वेस्टिंग कर रहे हैं इस साल हम अपने सेम की। फ्रूट तो काफी लगे हैं, बहुत अच्छी फलियां लगी हुई हैं, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स। लेकिन अभी थोड़ी सी मैच्योर कम है, जितनी मैच्योर हुई है, जो कड़ी हो जाती है तो अच्छी नहीं लगती। जितनी मैच्योर है फ्रेंड्स, उनको हम आज हार्वेस्ट करते हैं और वही वीडियो आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ फ्रेंड्स, बताइएगा हमारे सेम का पौधा आपको कैसा लगा देखने में, और जो हमारे किचन गार्डन के और फ्रूट हैं, सब्जियां हैं, उनको हम आपके साथ शेयर करते हैं। इस बार हमने बहुत ज्यादा सब्जियां नहीं लगाई, नहीं थोड़ी बहुत पालक, मूली, बीन्स ये सब लगा देते थे, धनिया वगैरह हमने कुछ नहीं लगाया है, केवल बैंगन लगे हुए हैं और टमाटर। टमाटर तो फ्रेंड्स अपने आप से जमा हुआ था और वही ग्रोथ कर गया। तीन चार प्लांट टमाटर के और अपने से जमा आए हैं, उनको हम रिकॉर्ड कर देंगे फ्रेंड्स, और फिर उनकी ग्रोथ जैसी भी होगी आपको बताएंगे। और बताइएगा फ्रेंड्स, सेम की सब्जी किस किस को पसंद आती है और कैसे बनाते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा फ्रेंड्स। सेम की फली तो फ्रेंड्स पत्तियों में छिप जाती है, क्योंकि व्हाइट वाली सेम है, तो जैसे पत्ती लाइट ग्रीन पे है वैसे ही लाइट ग्रीन सेम रहती है, तो वो आपको दिख ही नहीं पाती, बाद में तोड़ने के बाद फिर दिखती है। लेकिन ये रहता है कि एक टाइम का भी अगर हम तोड़ लिए तो दूसरे दिन फिर तोड़ लेंगे, दो तीन दिन फिर तो निकल आती है। कभी कभी तो जो छिप जाती है उनके बीज बहुत बड़े हो जाते हैं, कड़ी हो जाती है। एक गिरगिट बैठा हुआ है फ्रेंड्स हमारे सेम पे, बाद में ये देखिए हम अंदर घुस के तोड़ रहे थे, डर भी लगता है फ्रेंड्स, इंसानों को देख के ये भी भागते हैं, लेकिन अपने को भी डर लगता है कि कहीं ऊपर ना आए। छोटे छोटे दो तीन बैंगन आज भी तोड़ने लाए थे, तोड़ लेंगे तो वो हमारी फैमिली के लिए पर्याप्त रहेगा। पेंट वाली बकेट में हमने लगा के रखा है ये बैंगन का प्लांट फ्रेंड। इस बार हमने बैंगन खरीदा ही नहीं, खूब अच्छे से हमारी फैमिली के लिए बराबर निकलता गया, डेली तो नहीं, दो तीन दिन के गैप में दो बैंगन निकल ही आता था, तो खूब अच्छे से हम लोगों ने इसको एंजॉय किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, इतना सब्जी हमारी फैमिली के लिए बहुत है। और ये हमारे बैंगन के प्लांट है फ्रेंड, देखिए कि इनमें अभी भी फ्रूटिंग भी है और फ्लावरिंग भी, लेकिन अब फल इसके छोटे हो रहे हैं। तो बहुत ज्यादा तो हम रासायनिक खाद देते नहीं, ये किचन वेस्ट कंपोस्ट से ही इसको बनाते हैं, क्योंकि इसको प्योर ऑर्गेनिक रखे हैं। मार्केट का तो हम केमिकल का खाते ही हैं फ्रेंड, घर में जो हो रहा है वो प्योर ऑर्गेनिक रहे तो इसका टेस्ट भी अलग रहता है। और ये हमारे टमाटर के कुछ प्लांट हैं, देखिए इनमें पके भी जो थे उसको गिलहरी ने खा लिया, और ये देखिए अभी इसमें कितने अच्छे से फ्रूट लगे हुए हैं। ये खुद से जमा हुआ है प्लांट, ना ही हम इसका प्लांट लाए थे और ना ही हमने इसकी सीडलिंग की थी, जो हम किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाते हैं फ्रेंड्स उसी से ये जमाया था। ओके फ्रेंड्स, तो हमारी वीडियो कैसी लगी आपको, अगर पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, नए हो तो सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, बेल आइकन पर जरूर करिए, जिससे भी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।